So this is Mariko Darshil, and have you ever thought that sometimes our body do the crazy shit? So there is a one thing that immune reconstitution inflammatory syndrome और वो AIDS के patient में देखने को मिलता है. So जब भी अपन AIDS का जो patient है ना उसमें viral load ज्यादा होता है तो उसको treat करने के लिए हम heart therapy देते हैं. तो जब भी हम therapy देते हैं ना तो viral load जो होता है वो कम हो जाता है. अब viral load कम हो गया तो मेरे WBC and जो CD4, CD8, macrophage वो सब ज्यादा हो जाता है, bone marrow से produce करने लगता है. तो ये तो normal phenomenon है. बट जब भी हमारी बॉडी के अंदर एड्स होता है ना तो उसके साथ कुछ वायरस, बैक्टीरिया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं होते. बिकॉज कि जब वायरल लोड हाई होता है ना तो WBC, CD4, CD8 सेल, मैक्रोफेज सब लो होता है और उसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो नहीं आता. बट हमने हार्ट थेरापी दिया और हमारा वायरल लोड अब कम हो गया, WBC, CD4, CD8 सेल सब बढ़ गया, तो वो लोग बैक्टीरिया वायरस को डिटेक्ट करेंगे और उन्हें डिटेक्ट करके इन्फ्लाम रिस्पॉन्स देंगे और साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे. तो ये चीज भी नॉर्मल है. बट कई बार क्या होता है कि जो साइटोकाइंस होता है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो दैट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज द बैड टिश्यू, ऑल्सो दैट डिस्ट्रॉयज अ गुड टिश्यू. तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं ना वो वर्जन हो जाते हैं. सो दैट्स द आइरिस एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो सब्सक्राइब द मेडिको दर्शील एंड फॉलो द सोलंकी दर्शील एंड या बाय.